मगस। ये एक गुजराती की स्वीट रेसिपी है और मैंने ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाई है और स्टार्टिंग से एंड तक ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल में मैंने ये रेसिपी बताई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मगस कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको तुरंत पता चलेगा मेरी न्यू वीडियो के बारे में। आपको 2 कटोरी बेसन का आटा लेना है दरदरा। वन फोर्थ कटोरी दूध ले लीजिए और इसमें मिक्स करके उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख दीजिए। अभी पूरे आटे को आप छन्नी से अच्छे से छान लीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको 1 कटोरी जितना घी लेने का है। इसके अंदर ये बेसन का आटा मिक्स करके आप इसको धीमी आंच पर सेक लीजिए, बेसन के आटे की स्मेल आए तब तक। तो अभी ये बेसन का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, पक गया है अच्छे से। तो मैं इस गैस की फ्लेम बंद करके इसको नीचे रख रही हूँ। अभी ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपको 1 कटोरी इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करना है। मगज का जो बेसन है वो अगर गर्म होगा और आप इसके अंदर शुगर ऐड करोगे तो वो पूरा पानी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे अभी 1 चम्मच जितना इलायची पाउडर ऐड किया है। आपको इस तरह से अभी बेसन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी 1 प्लेट में आप इसको निकाल दीजिए। इसके ऊपर आप मगज दरी चारोरी से अभी इसको डेकोरेट कर दीजिए और कटोरी की मदद से इस तरह से प्लेस थोड़ा कर दीजिएगा ताकि वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। अभी चाकू की मदद से इसके पीसेस बना लीजिए। तो हमारी ये गुजराती रेसिपी मगस रेडी है। तो ये रेसिपी को हम 1 महीना या 20 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं घर में ही। तो मेरा ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।